हेलो। तो अब बहुत दिनों के बाद, जैसे कि एक डेढ़ दो महीने हो गए मेरे को वर्कआउट नहीं किया, डाइट भी फॉलो नहीं किया, तो वापस अपन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ शेप हो चुके हैं। तो अपन वापस से शुरू करेंगे और इस बार अपन चालू कर रहे हैं पूरा व्लॉग सीरीज़। और व्लॉग सीरीज़ के अंदर बेसिकली अपने पास ये होगा कि मैं पूरा वर्कआउट, जो भले दो महीने लगे, छः महीने लगे, आठ, दस, एक साल, कितने भी लगेगा, वैसे इतना नहीं लगेगा, है ना, कि पर अपन ने मेज़रमेंट कर चुके हैं अपन घर पे, क्या वेट आया है, क्या नहीं आया है, और बीएमआई भी कराई थी मैंने अभी से 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले की बात है। तो शुरू करेंगे व्लॉग सीरीज़, इसके अंदर डाइट है, वर्कआउट बताएंगे पूरा का पूरा, मतलब ये समझ लो कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के साथ ही होगा। मतलब जो मैं हकीकत में हूँ, भले मैं मोटा हूँ, भले मैं बहुत ज़्यादा कैसा भी हूँ, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, वो सारी की सारी चीज़ें, कैसे वर्कआउट किया, क्या डाइट फॉलो करी, क्या सप्लीमेंट्स थे, सबके सब अपन साथ में बात करेंगे। साथ में अपनी सीरीज़ चलेगी, वर्कआउट भी देख लेना, वर्कआउट डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा एक बार के लिए, साथ में इधर भी, और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करना ही करना, क्योंकि अब वहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट्स, बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर अपडेट होगी। ठीक है, तो अब अपन अपने वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, सुबह की एक वन मील जो कि ब्रेकफास्ट था, और सेकेंड मील थी जो कि मैं ले चुका हूँ। तो दिन में जाऊँगा मैं वर्कआउट करने, दिन का टाइम अपने लिए बेस्ट है। ठीक है, तो दिन में अपन करेंगे वर्कआउट, और ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दिन में करें, ऐसा भी हो सकता है कि अपन आगे पीछे कर लें, कभी हो सकता है या तो लेट नाइट वर्कआउट करेंगे या फिर मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर जो मेरे को अच्छा लगता है वो दिन है, क्योंकि दिन में जिम खाली रहती है। तो अपन चलेंगे सीधा वर्कआउट करने। ओके, ये तो गलत आ गया यार, मतलब ये कि पूरा घूम के जाना ही पड़ेगा, पूरा घूम के जाएंगे, यू टर्न लेंगे, फिर जिम पहुँचेंगे। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाड़ियाँ देख के कि बहुत सारी भीड़ होने वाली है, जैसे गाड़ियाँ इतनी सारी खड़ी है, वो तो ऊपर जाके पता पड़ेगा कि क्या सीन है। तो चलो ऊपर, जयपुर में है मानसरोवर न्यू वे फिटनेस। तो अब अपन अंदर घुस चुके हैं और अब अपन चलते हैं जिम की तरफ।
पूरा एक वर्कआउट हो गया, तो 4 सेट थे सुपर सेट, 20 15 10 5 लगाएं। अब लगाएंगे दूसरा पूरा सेट जो कि सुपर सेट ही होगा। उसके अंदर अपना रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, साथ में अपना टी बार रोज लगाएंगे अपन। ये पूरा डिज़ाइन मैंने ही दो एक्सरसाइज ख़त्म। अब अपन चलेंगे तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। वो मुझे ऐसे याद तो नहीं है, पर तो तीसरी एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डम्बल रोइंग, और साथ में अपन लगाएंगे केबल रोइंग। केबल ऊपर जो रोप लगाएंगे वो ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि रोम्बॉइड्स ज़्यादा हिट होंगे। तो लेट्स डू इट। तो बहुत दिनों बाद वर्कआउट तो बहुत दिनों बाद वर्कआउट
तीन वर्कआउट कंप्लीट हो गए और जो फोर्थ वर्कआउट है वो सुपर सेट ही है, और उसमें हम लगाने वाले हैं क्लोज ग्रिप पुल डाउन जो कि लेट्स के लिए है, और उसके साथ हम लगाएंगे रोइंग जो रोबोट्स के लिए है। बेस्ट वर्कआउट है 20-15 फिर 10-5 रेपिटेशन से सुपर सेट में। तो आज फटाफट से निपटाते हैं, हालत ख़राब हो गई है। इसके बाद तो बाइसेप्स लगानी है जिसके अंदर से 3 एक्सरसाइज करेंगे, वो अब मैं माँ को बता दूंगा बाद में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अभी वर्क एक्सरसाइज करते हैं।
आज स्पेस बची थी तो अपन पहले मैं के सेट कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे टीचर पर। बाय। को अपन ने लगाया बैक और बाइसेप्स, उसके अंदर भी मेन फोकस जो था अपना 6-7 एक्सरसाइज थी अपनी, वो थी अपनी बैक की।